दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे चाणक्य के बारे में। चाणक्य के अनुसार इस भयंकर कलयुग में जीवन में अगर सफल होना है तो अपने लक्ष्य को ध्यान में रखने के साथ साथ इन बातों को भी ध्यान में रखें। दोस्तों चाणक्य के विचारों की एक वीडियो हमने अपने चैनल पर दिखाई है जिसको लोगों ने बेहद पसंद किया है। इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आइए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चाणक्य के अनुसार इन बातों का जरूर ध्यान रखें। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ेगी। जिस प्रकार अपने राज्य के भीतर नौकरी सर्वोत्तम होती है, उसी प्रकार सुंदर व सुशील स्त्री घर में ही शोभा देती है। भोजन के लिए अच्छे पदार्थों का उपलब्ध होना, उन्हें पचाने की शक्ति का होना, सुंदर स्त्री के साथ संभोग के लिए काम शक्ति का होना, प्रचुर धन के साथ साथ धन दान की इच्छा होना, ये सभी सुख मनुष्य को बहुत कठिनता से प्राप्त होते हैं। चाणक्य के अनुसार नदी के किनारे स्थित वृक्षों का जीवन अनिश्चित होता है, क्योंकि नदियां बाढ़ के समय अपने किनारे के पेड़ों को उजाड़ देती हैं। उसी प्रकार दूसरे के घरों में रहने वाली स्त्री किसी भी समय पतन के मार्ग पर जा सकती है। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति का पुत्र उसके नियंत्रण में रहता है, जो पत्नी अपने पति की आज्ञा के अनुसार आचरण करती है और जो व्यक्ति अपने कमाए धन से पूरी तरह संतुष्ट रहता है, ऐसे मनुष्य के लिए यह संसार स्वर्ग समान है। चाणक्य का मानना है कि वही गृहस्थी सुखी है जिसकी संतान उसकी आज्ञा का पालन करती है। पिता का भी कर्तव्य है कि वह पुत्रों का पालन पोषण अच्छी तरह से करे। इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं बनाया जा सकता जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, और ऐसी पत्नी व्यर्थ है जिससे किसी प्रकार का सुख प्राप्त न हो। जो मित्र आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता हो और पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़ देता हो, उसे त्याग देने में ही भलाई है। चाणक्य के अनुसार ये सब उस बर्तन के समान है जिसके ऊपर के हिस्से में दूध लगा है परंतु अंदर विष भरा हुआ होता है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पुरुष का विवेक और महिला की सुंदरता है। काम को पूरा हर हाल में करो, परिणाम से मत डरो। चाणक्य मानते हैं कि बचपन में संतान को जैसी शिक्षा दी जाती है उनका विकास उसी प्रकार होता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे उन्हें ऐसे मार्ग पर चलाएं जिससे उनमें उत्तम चरित्र का विकास हो, क्योंकि गुणी व्यक्तियों से ही कुल की शोभा बढ़ती है। ऐसे माता पिता अपने बच्चों के लिए शत्रु के समान हैं जिन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी, क्योंकि अनपढ़ बालक का विद्वानों के समूह में उसी प्रकार अपमान होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुले की स्थिति होती है। शिक्षा विहीन मनुष्य बिना पूछ के जानवर जैसा होता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे वो समाज को सुशोभित कर सकें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मित्रता बराबर वाले व्यक्तियों से करना ही उपयुक्त रहता है। बराबरी से यहाँ तात्पर्य है समान प्रतिष्ठा, धन, ज्ञान, समान विचार वाले स्वच्छंद लोगों से मित्रता। किसी भी व्यक्ति को बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष और व्यक्ति पहले काटे जाते हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले 3 सवाल अपने आप से अवश्य पूछो। मैं ऐसा क्यों करने जा रहा हूँ? इसका क्या परिणाम होगा और क्या मैं सफल रहूंगा? चाणक्य कहते हैं कि अधिक लाड़ प्यार से बच्चों में अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए यदि वह कोई गलत काम करे तो उसे नजरअंदाज करके लाड़ प्यार करना उचित नहीं है। बच्चों को डांटना भी आवश्यक है। शिक्षा और अध्ययन की महत्ता बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का जन्म बहुत सौभाग्य से मिलता है, इसलिए हमें अधिक से अधिक समय वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन तथा दान आदि में सदुपयोग करना चाहिए। उनके अनुसार हर मित्रता के पीछे कोई स्वार्थ जरूर होता है, यह कड़वा सच है। भय को नजदीक न आने दो, अगर यह नजदीक आए तो इस पर हमला कर दो, यानी भय से भागो मत, इसका सामना करो। सुगंध का प्रसार हवा के रुख का मोहताज होता है, पर अच्छाई सभी दिशाओं में फैलती है। जिस प्रकार पत्नी के वियोग का दुख और अपने भाई बंधुओं से प्राप्त अपमान का दुख दुखदायी होता है, उसी प्रकार कर्ज में डूबा व्यक्ति भी हर समय दुखी रहता है। ब्राह्मणों का बल विद्या है, राज का बल उसकी सेना है, वैश्य का बल उसका धन है। इसी प्रकार ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वह विद्या ग्रहण करें, राजा का कर्तव्य है कि वह सैनिकों द्वारा अपने बल को बढ़ाते रहें, वैश्य का कर्तव्य है कि वह व्यापार द्वारा धन बढ़ाए। चाणक्य का कहना है मूर्खता के समान यौवन भी दुखदायी होता है, क्योंकि जवानी में व्यक्ति काम वासना के आवेग में कोई भी मूर्खतापूर्ण कार्य कर सकता है,
परंतु इनसे भी अधिक कष्टदायक है दूसरों पर आश्रित रहना। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा मित्र नहीं है उस पर तो विश्वास नहीं करना चाहिए, परंतु इसके साथ ही अच्छे मित्र के संबंध में भी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वह नाराज हो गया तो आपके सारे भेद खोल सकता है। अतः सावधानी अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमने आपके साथ शेयर की। दोस्तों, अगर इन बातों का पालन करते हैं तो एक सुखद जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए और ज्ञान को शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद।